आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपको प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक ए के ओजोनीकरण से एसीटोन और प्रोपेनल्डिहाइड में से यौगिक ए जो है वह क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है प्रश्न में, ये कहना चाह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक ए है, तो ओजोनीकरण से हमें एसीटोन और प्रोपेनल्डिहाइड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसमें से जो है यौगिक ए जो है वह क्या होगा। ठीक है, तो निम्न में से यौगिक ए की पहचान करनी है, तो ये चार विकल्प दिए हैं। पहला कह रहा है 1-pentene, दूसरा विकल्प कह रहा है 2-pentene, तीसरा विकल्प कह रहा है 3-methyl-2-pentene तथा चौथा विकल्प कह रहा है 2-methyl-1-pentene। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया था कि ओजोनीकरण के फलस्वरूप जो है एसीटोन और प्रोपेनल्डिहाइड प्राप्त हुआ। तो एसीटोन जो होता है ये हमारा होता है CH3CO CH3, और प्रोपेनल्डिहाइड जो होता है ये हमारा होता है CH3CH2CHO। ठीक है, तो ये जो है हमारा होता है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देख इसमें क्या होता है, जब ओजोनीकरण की अभिक्रिया होती है तो जिस कार्बन परमाणु से हमारा जो है ओजोन जुड़ता है, ठीक है, यानी जहाँ पर जो है हमारा ये एल्कीन के साथ जब ओजोन की अभिक्रिया करवाते हैं तो जिस कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है द्विबंध होता है वहीं से जो है हमारा और वहां पर जाकर के जो है ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इस कार्बन से हमारा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा है और यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये देखें तो हमारी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी कि CH3CH2CH और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होगा और ये C। ठीक है, अब इससे जो है हमारे यहाँ पर एक CH3 ये जुड़ेगा और एक CH3 ये जुड़ेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं इस कार्बन से दो मिथाइल समूह जुड़े हैं, तो इस कार्बन से हमने दो मिथाइल जोड़ दिए और इसकी दो संयोजकताएं जो है इस कार्बन से दो द्विबंध बना कर जो है पूर्ण होंगी। ये जो है हमारा ओजोनीकरण का व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक है, हम ओजोनीकरण का जो है व्युत्क्रम कर देते हैं, यहाँ से -O3 करते हैं वापस से, यानी ये दोनों ऑक्सीजन मिलकर के O2 बनाएंगे और एक जो ऑक्सीजन निकल गई थी वो मिलकर वो भी आ जाएगी यहाँ पर, तो ये ओजोनीकरण यहाँ से O3 यहाँ से निकाल देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर प्लस का जो है क्या कर लें हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड और ले लें, तो यहाँ पर जो है O3 निकाल दिया और माइनस का यहाँ से हमने H2O भी निकाल दिया, तो ये जो है हमें यौगिक प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो इसके नामकरण करते तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो है हमारा क्या है, 2-methyl-2-pentene। ठीक है, इसका नाम जो है क्या, 2-methyl-2-pentene है, अर्थात यहाँ पर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो 3 दिया है इसमें दिया हमें 2-methyl-2-pentene दिया है, यही हमारे यहाँ पर यौगिक भी था, यानी विकल्प नंबर जो 3 होगा यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है हमारा प्रश्न उत्तर पूर्ण होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।